नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और आज कहानी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। हत्या, हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामलों से जुड़ा है जिनका नाम, जेल से जिनका रहा है पुराना नाता, प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देती है जिस नाम की गूंज, वो है सियासत के बाहुबली राजा भैया। देश में बेशक राजे, रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मानकर पूछती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से चोली दामन का साथ रहा। कभी जेल के अंदर से तो कभी जेल के बाहर रहकर सियासत के इस बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का जमाया। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ की भदरी रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे और दबंगई उनके खून में थी। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बेहद करीब है और इसीलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। यह बात दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी ही रही। कांग्रेस से अलगाव की एक अन्य वजह यह भी थी कि उदय प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह, जो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल रहा। राजा भैया बेशक शाही परिवार से रहे और उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां भी रहीं, लेकिन उनके पिता कभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। राजा भैया ने ही 1993 में परिवार से पहली बार राजनीति में कदम रखा। कहते हैं राजा भैया के जन्म से पहले ही उनके पिता के गुरु देवराहा बाबा ने बेटे के पैदा होने की भविष्यवाणी कर दी थी। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई बड़े नेता देवराहा बाबा के सामने सिर झुकाते थे। राजा उदय प्रताप एक बार अपनी पत्नी के साथ देवराहा बाबा के आश्रम में देवरिया गए थे। तभी उन्होंने उदय प्रताप को यह बताया था कि जल्द ही उनके घर एक बेटा जन्म लेगा। राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह भी खुद बाबा ने ही रखा था और बाबा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया। अपने पिता की तरह राजा भैया भी देवराहा बाबा के अनुयायी रहे हैं। बेशक बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया है, लेकिन आज भी राजा भैया अपने किसी बड़े काम से पहले देवरिया में उनके आश्रम जरूर जाते हैं। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। सबसे पहले नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बाद में इलाहाबाद के ही स्काउट एंड गाइड स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने ग्रेजुएशन किया। राजा भैया को घुड़सवारी का काफी शौक है, इसलिए अक्सर वो खाली वक्त में घुड़सवारी करते रहते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भी वो रुचि रखते हैं। सियासत के इस बाहुबली का एक और शौक अक्सर चर्चा में रहता है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाना। कहते हैं एक बार तो वो प्लेन उड़ाते उड़ाते बाल बाल बच गए। बावजूद इसके उनका ये शौक अभी तक कायम है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई। दोनों के चार बच्चे हैं, दो बेटे शिवराज सिंह और ब्रिजराज सिंह, जबकि दो बेटियां राघवी और ब्रिजेश्वरी। राजा भैया का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ 1993 में।
कुंडा विधानसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। कुंडा विधानसभा सीट 80 के दशक से ही कांग्रेस का गढ़ रही थी। 1980, 85 और 89 में यहां से कांग्रेस के नियाज हसन जीते। 1991 में बीजेपी के शिव नारायण मिश्रा ने नियाज हसन को हराया, लेकिन दोनों के बीच अंतर 2000 वोट से भी कम का रहा। शिव नारायण की इस जीत के पीछे उस वक्त जोर पकड़ रहे राम मंदिर आंदोलन का बड़ा हाथ था। यूपी में तो इसका असर चरम पर था। तभी 1991 में वहां कल्याण सिंह की सरकार भी बनी थी, लेकिन राजा भैया उतरे तो कुंडा सीट का इतिहास पलट दिया। राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार में 1999 में वो खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए और आज भी उन्हें राजनाथ सिंह का खास माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री भी बनाया गया। ये दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। एक तरफ वो अपनी सियासी ताकत बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ अपराध से भी नाता खत्म नहीं हो रहा था। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया। इस दौरान उनकी बेती कोठी में छापेमारी भी की गई थी। बाद में इस तरह की अफवाहें भी सामने आईं कि उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमय तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां भी जुड़ी हैं। इस तरह की अफवाहें भी हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं। कहते हैं एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं? फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस बुलवाया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से सवाल पूछ लिया कि क्यों जी ये मगरमच्छवा सही में पाले हुए हैं? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। 2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में फिर वो बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक बार फिर 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में आया। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर इस मामले की जांच शुरू की। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनैतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज की सीट से भी जीत मिली। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।
एक वर्ग उन्हें गरीबों का मसीहा मानता है। कुंडा में राजा भैया कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजा भैया का एक जनता दरबार भी लगता है। इसके अलावा लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन भी कुंडा में करवाया जाता है।